परमेश्वर का धन्यवाद। आज परमेश्वर ने एक मौका दिया कि हम साथ मिलकर परमेश्वर के वचनों को सीखें और परमेश्वर के वचनों से आशीष पाए। पुराने नियम में दूसरा इतिहास, कृपया अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल को खोलिएगा, दूसरा इतिहास और चैप्टर 33 और 10 से लेकर 13 तक अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे, 10 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 33, यहोवा ने मनाशे और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हम कुछ ही समय है, आज प्रभु भोज है, इसलिए मैं समय को देखकर चलता रहूंगा। इससे हम कुछ सीखना चाहते हैं प्यारो, जहां तक समय मुझे इजाजत देगा तब तक हम पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। बाद में मैं समय समाप्त होने पर सिखाना और सीखना बंद करूंगा और फिर प्रभु भोज में हम जाएंगे, ठीक है? तो आइए छोटी दुआ करें फिर हम आगे बढ़े। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आज सुबह एक सुनहरा अवसर आपने हमें दिया ताकि हम प्रभु हम आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को सीखे और आपके वचनों में से हम आज आशीष पाए। ये आपने मौका हमें दिया है, हमने मौका ना ही तैयार किया है ना ही हमने ये छीन लिया है, लेकिन आपके देने से आपने दिया है मौका और हमें मिला है। प्रभु आपका धन्यवाद करते और विनती करते, आपके वचनों से हमें आशीष दो, हमें चंगाई दो, हमसे बात करो प्रभु। जहां पर भी हमारी आशीष से रुकी है, आपका वचन हमें बताता है, आपकी बातें हमें सिखाती है कि हमारी आशीषों को रोकने वाला और कोई नहीं लेकिन प्रभु हमारे पाप आज्ञा भंग है जो हमारी आशीषों को रोकता है। कृपया आज पिता पाक आत्मा की सहायता चाहते हैं, आप हमसे बात करें। मैं अपने आप को और हर एक आपके जनों को, लोगों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते, सुने और कबूल करे पिता। आमीन आमीन आमीन। प्यारो, फिर से मैं एक वचन पढ़ता हूं फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहोवा ने मनाशे और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। यहोवा ने राजा से मनाशे से बात की लेकिन उन्होंने ना प्रजा ने ना राजा ने ध्यान दिया। अब परमेश्वर ने इनसे बात की, राजा से और प्रजा से, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पहली चीज जो हम आज देखना चाहते हैं कि परमेश्वर ने क्यों राजा से बात की, परमेश्वर ने क्यों प्रजा से, लोगों से बात की, ऐसा क्या था? समय कम है इसलिए सब कुछ हम नहीं पढ़ते, लेकिन दूसरा इतिहास में अगर आप 33वें चैप्टर में आप पढ़ोगे और 33 से आगे आप कुछ आयते पीछे जाओगे तो आपको मनाशे और राजाओं के विषय में आपको पता चलेगा। आपको बाइबल बताएगी कि जब राजा ने परमेश्वर की नजरों में जो सही था और योग्य था वो किया, तब परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, उन्हें शांति दी,
उनकी सहायता की। मनाशे जो था, मनाशे वो और प्रजा बहुत ही पापी अवस्था में थे और परमेश्वर का कोप उनके विरुद्ध भड़का था। अब ये राजा और प्रजा के विरुद्ध कोई बड़ी हानि आने वाली थी, उनको बड़ा नुकसान जाने वाला था, उनकी अवस्था बहुत ही खराब होने वाली थी। किसके कारण? परमेश्वर के कारण नहीं, उनके पापों के कारण। उन्होंने खुद चाहा था कि हमारी अवस्था ऐसी हो और इसीलिए बहुत ही समय आ चुका था कि मनुष्य और उसकी प्रजा को बहुत ही भयंकर अवस्था में ले जाया जाए। लेकिन देखो, परमेश्वर बहुत अच्छा है, प्रेमी परमेश्वर हमें मिला है। पता है, मैं जब परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्यारो, तब कई कई बार मेरे आंख से आंसू निकल आते। मैं कहता हूँ, पिता तू कितना प्रेमी परमेश्वर मुझे मिला है, तू कितना दयालु परमेश्वर मिला है। मैं उस योग्य नहीं हूं कि मुझे ऐसा दयालु परमेश्वर और ऐसा प्रेमी परमेश्वर मिले, उस योग्य मैं नहीं हूं। यारो, परमेश्वर बहुत ही दयालु और भला है, वो था और है और रहेगा। यहां पर आप देखो कि जब उनकी परिस्थिति बहुत ही भयानक थी, उन पर संकट आने वाला था, तब परमेश्वर ने अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, परमेश्वर ने वो संकट आए उससे पहले एक बार, कई किस्सों में तो दो तीन चार कई बार परमेश्वर ने राजा और लोगों से बात की। यहाँ पर देखो, परमेश्वर कितना भला हो और कितना महान परमेश्वर हमें मिला है। हम पर संकट आए उससे पहले वो एक वार्निंग देता है, वो हमें चेताता है, हमें बताता है कि हम कहीं गलत है। यहाँ पर मनुष्य और उनकी उसकी प्रजा के विरुद्ध जो संकट खड़ा था, परमेश्वर को उनको अपने दास के द्वारा, प्रबोधक के द्वारा, भविष्य वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने उनको उनको चेतावनी दी, उनसे बात की। देखो, हमारी अवस्था के विषय में अगर स्वर्गीय दूत आकर भी बोलेगा, हमें से कई लोग ऐसे हैं कि स्वर्गीय दूत आकर कहेगा कि भाई ये आपके जीवन में ये चीजें बहुत ही भयंकर है और ठीक नहीं है, हमें से कुछ दो पांच ऐसे हैं कि वो उनका भी नहीं मानेंगे। फिर भी परमेश्वर के काम करने का तरीका, परमेश्वर ऐसा है कि वो हमसे बात करता है, हमें बताता है, चेतावनी देता है, वो हमें संकट से पहले बता देना चाहता है कि अब हमारी अवस्था बिगड़ने वाली है। मनुष्य और उसकी प्रजा ने, उसके लोगों ने जब बहुत ही घिलौने और पापी काम किए, तब परमेश्वर ने संकट से पहले अपने भविष्य वक्ता, अपने दास के द्वारा बात की। हमसे परमेश्वर बात करता है। संकट आए, दुख आए, भयंकर अवस्था आए, उससे परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को चेतावनी देता है। आप अपने जीवन को अगर आप चेक करोगे, तलाशोगे, तो आपको दिखाई देगा कि संकट से पहले प्रभु ने आपसे बात कर ली थी। आप और हम उस योग्य, क्योंकि हमने वो गलतियां की, ऐसे पाप किए कि हम पर ऐसा संकट आए ही, लेकिन परमेश्वर हमसे बात करता है प्यारो, हमें बचाना चाहता है। बहुत दयालु परमेश्वर। हमने परमेश्वर की आराधना, धन्यवाद किया नहीं किया इस मामले में मैं नहीं जानता, मैं करता हूं निरंतर कि प्रभु तू सचमुच बहुत महान परमेश्वर मुझे मिला है, बहुत दयालु है, भला है प्रभु, तो मुझे हर बार बचाना चाहता है, मैं जानता हूं। लिखा है कि यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। हमसे परमेश्वर बात करता है,
हमें चेतावनी देता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते। हमें तो सिगरेट बहुत पसंद है, बीड़ी बहुत पसंद है, हमें वो व्यभिचारी संबंध, जो घिलोने संबंध है वो हमें बहुत पसंद है, जो परमेश्वर ना कहता है वो हमें बहुत पसंद है, इसलिए हम परमेश्वर का कहा नहीं सुनते। परमेश्वर बहुत बहुत तरीके से हमसे बात करता है प्यारो, प्रभु अपने दास दासियों के द्वारा हमें चेतावनी देता है। कभी हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के द्वारा वचनों से प्रभु हमें चेतावनी देता है। कई बार हमें स्वप्न आता है, कितने लोगों का फोन आता है और मैं सुनता हूँ कि पास्टर मुझे ऐसा स्वप्न आया, और आप बिलीव नहीं करोगे पास्टर, वो स्वप्न आने के बाद मेरी आंखें खुल गई, मैं खड़ा हो गया, मैं खड़ी हो गई रात को इतने बजे और मैंने पश्चाताप किया और पास्टर जैसे मुझे स्वप्न दिखाई दिया था वैसे ही हुआ, मैं बच गया, मैं बच गई। प्यारो परमेश्वर कई बार ड्रीम्स, स्वप्नों के द्वारा, प्रभु दर्शन के द्वारा हमसे बात करता है कि ऐसा होने वाला है। कई लोगों का तो मृत्यु के समय से पहले परमेश्वर ने उनसे बात की और उनसे साफ कह दिया कि अब तेरा वापस मुड़ने का, लौटने का समय आ चुका है, और लोगों ने पश्चाताप किया, लोगों ने माफी मांगी, लोगों ने प्रभु का धन्यवाद किया पूरे जीवन के लिए, आशीषों के लिए, सारी अच्छी बातों के लिए धन्यवाद किया। और जिस समय जिस दिन को प्रभु ने कहा था मैं ले जाऊंगा, परमेश्वर उनको ले गए। परमेश्वर अपने प्रिय लोगों से बात करते हैं स्वप्न के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रभु के दास दासियों के द्वारा, विजन के द्वारा, दर्शन के द्वारा प्रभु अपने लोगों से बात करता है। जब मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनको सिर्फ पैरालिसिस हुआ था, रात को मैं जब स्पेशल रूम रखा लिया गया था, क्योंकि मेरी मम्मी की भी उम्र थी और हम सभी को हॉस्पिटल में रहना यानी स्पेशल रूम लेना बहुत जरूरी था, तो हमने स्पेशल रूम लिया था। पापा जब बीमार हो गए, लकवाग्रस्त हो गए, जब हम शाम हुई तो मैं दुआ में बैठा, घुटनों के बल प्रभु के पास गया और प्रभु से प्रार्थना करने लगा। तब उसी समय परमेश्वर ने मुझसे बात की कि तेरे पापा का लेने का समय आ चुका है, मैं आज ही उनको ले जाऊंगा। मैं प्यारो, आप विश्वास करें, मैंने प्रार्थना किया और कहा प्रभु तू अभी मेरे पापा को मत ले जाना, क्योंकि मेरे पापा उद्धार पाए नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, पापों की माफी उन्होंने नहीं पाई है, उनके जीवन में प्रभु आपको उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, वो एज ए क्रिश्चियन मसीह होने के नाते वो प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु करते हैं, लेकिन प्रभु दिल में तेरा राज्य स्थापित नहीं हुआ है मैं जानता हूँ। फिर दूसरी बार प्रभु ने मुझसे बात की कि नहीं उनका लेने का समय आ चुका है, मैंने बहुत वक्त दिया। मैंने फिर रोकर प्रभु से कहा प्रभु मैं जानता हूँ आज तू ले जाएगा तो मैं अपने पापा से कभी मिल नहीं पाऊंगा, वो सीधे नरक में जाएंगे। आप विश्वास करते हो मेरे पापा चर्च चलाते थे, आप विश्वास करते हो संडे स्कूल लीड करते थे, मेरे पापा VBS डायरेक्टर रह चुके हैं कई बार, मेरे पापा चर्च में और कई जगह वो सेवा करते थे, मेरे पापा कई चर्च लीड करने संडे अलग अलग गांव में जाते थे। आप सुन रहे हो ना, आशा करता हूं कि ज्यादातर लोग सुन रहे हैं मुझे। मेरे पापा ये सब करते थे लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि उद्धार नहीं पाए हैं, उनके दिल में परमेश्वर का राज्य स्थापित नहीं हुआ है, उन्होंने अपने पापों को कबूल नहीं किया है, परमेश्वर के आगे उन्होंने नहीं गिड़ गिड़ाया कि प्रभु मैं पापी हूं मुझे क्षमा कर। मुझे पता था, रात को मैं रोकर प्रभु से विनती करता था प्रभु कृपया अभी मत ले जाना,
पूरी रात प्रभु ने ये कह प्रभु परमेश्वर कहते रहे कि नहीं मैं उनको लिए जाऊंगा। मैं रोते हुए कहने लगा कि प्रभु मेरे पापा को बचा ले, तू मत ले जा प्रभु, मत ले जा, उनको थोड़ा मौका दे दे। और उस रात को प्रभु ने करीबन सुबह 3-4 बजे के आसपास पूरी रात में रोया और दुआ किया, मेरे पापा को मैं बचाना चाहता था। और परमेश्वर ने कुछ आधी रात को मुझसे बात की और कहा, मैं 5 साल तेरे आंसू के कारण मैं तेरे पिता को 5 साल दे रहा हूं, और बिल्कुल 5.5 साल, 5 साल से थोड़ा ज्यादा पापा जीवित रहे, और ये 5 साल में उन्होंने पश्चाताप किया, अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित किया, प्रभु यीशु का परमेश्वर का राज्य उनके जीवन में स्थापित हुआ, और बड़ी खुशी खुशी वो परमेश्वर के पास गए। परमेश्वर ने मुझसे कह दिया था कि तेरे पापा को आज मैं ले जाऊंगा। यारो, मेरी मम्मी जब इस संसार से वापस लौट रही थी, परमेश्वर के पास जा रही थी, तब अर्ली मॉर्निंग सुबह प्रभु यीशु मेरे घर में आए और मेरी मम्मी से बात की। ये मेरी मम्मी ने आखिरी दिन जब मम्मी प्रभु यीशु के पास जाने वाली थी, उस दिन दोपहर को करीबन 3:30 बजे के आसपास मम्मी ने मुझसे कहा कि आज मेरा जाने का दिन है। मैंने कहा, मम्मी कैसे तू कह सकती है? तो उन्होंने कहा, सुबह इतने बजे 5 बजे प्रभु यीशु आए थे बेटा, और मुझसे काफी देर तक उन्होंने बातें की, और वो कह कर गए हैं आज शाम को मैं तुझे बेटी ले जाऊंगा। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आर यू श्योर? आपके सब पाप माफ किए गए हैं, प्रभु यीशु आपके जीवन में है, आपका जीवन प्रभु यीशु को आपने दिया है? मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, मैं एकदम श्योर हूँ, क्लियर हूँ, और मैं तैयार हूँ। और मम्मी ने कहा था कि आज शाम को प्रभु मुझे ले जाएगा। और प्यारो, बिल्कुल शाम को मेरी मम्मी ऐसे ही नॉर्मल थी, कहा कि मुझे बिठाओ, मुझे बैठना है थोड़ा। हम लोग ने उनको बिठाया, बैठते ही उन्होंने सिर्फ मेरी वाइफ की तरफ, हम सब की तरफ देखा और धीरे से आंखें बंद कर दी। मेरे पापा को ले जाने से पहले परमेश्वर ने मुझसे बात की। मेरी मम्मी को बुलाने से पहले मम्मी के साथ प्रभु यीशु ने बात की। परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं। जीवन की चाहे वो संकट आने वाला हो, चाहे कोई भी बड़ा डिसीजन प्रभु हमारे जीवन के विषय में ले रहे, वो हमें बताते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें आने वाले समय के विषय में वो कहते हैं, चाहे हम अच्छे हो बुरे हो। लेकिन परमेश्वर हमेशा ये चाहते हैं कि हम बच जाए, हमारा बचाव हो। प्यारो देखो, परमेश्वर ने लोत के विषय में, अगर आप 19वें अध्याय उत्पत्ति 19 अगर आप निकालोगे, आपके अगर है बाइबल तो निकालिए, वरना मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 19वें चैप्टर में आप देखो तो लूत का समय, लूत तब 14:14, तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल जाओ, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। लूत ने अपने दामाद जो होने वाले थे, जिनसे सगाई हुई थी उनकी बेटियों की, उनको कहा कि भाई, परमेश्वर ने मुझसे साफ बता दिया है कि इस नगर को नष्ट प्रभु करने वाला है, यहोवा इस नगर को भस्म करने वाला है, नष्ट करने वाला है। उठो, भागो, खुद बचो और अपने साथ अपने लोगों को लेकर भागो। तब उनके दामादों ने लूत की बातों पर ठट्ठा किया, लूत की बातों पर उन्होंने ठट्ठा किया। यारो,
लूत ने उनके बचाव चाह, बट दे मॉक्ड, उन्होंने मजाक उड़ाया उसका, मश्करी की उसकी, लूत की बातों को सुना नहीं। पहली बात मैं कहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को ये साथ बात करता है, हम वो उनकी बातों को सुने, स्वीकार करें ना करें, लेकिन परमेश्वर अवश्य अपने लोगों के बचाव के लिए वो उनसे बात करता है। लूत परमेश्वर की दृष्टि में कृपा पाया था, दया उन पर थी, लूत के जमायों पर, दामादों के पर नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने मौका दिया कि लूत मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं तुझे आगाह करता हूं कि इस नगर को मैं बस अब खत्म करने वाला हूं, तो अपने अपने परिवार के लोगों को अपने आप को लेकर भाग यहां से। मौका मिला, परमेश्वर ने लूत के द्वारा अपने दामाद और परिवार से बात की। भजन संहिता में भजन संहिता 104 और 24वें आयत में लिखा है, उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना और उसके वचन की प्रतीति न की। 25, वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा न माना, उसके वचन की प्रतीति न की और कुड़कुड़ाए, यहोवा का कहा न माना। हम परमेश्वर के आवाज को, उसकी वार्निंग को हम कई बार नहीं सुनते, उस तरफ ध्यान नहीं देते। परमेश्वर कई बार बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा, अनुभव के द्वारा भी बात करते हैं। कई बार कुछ हम डिसीजन ले, उसमें कंफ्यूजन आए, कई बार हम कोई काम करें तो सफलता हम ना देखे, बीच बीच में बहुत सारी ऐसी बाधाएं आए, वो रुकने का समय, सोचने का समय, दुआ करने का समय, प्रभु से पूछने का समय, क्या मैं सही राह पर हूं, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। प्रभु जरूर आपसे बात करेंगे, प्रभु के दास दासियों के द्वारा भी बात करेंगे। प्रभु अपने दासों के द्वारा बात करते हैं। सुना नहीं सुना, पहले तो नहीं सुना था, अभी मैं पूछ रहा हूं, अभी मैं जो बोल रहा हूं सुना आपने? परमेश्वर अपने दास दासियों के द्वारा बात करते हैं। आप में से कितने सारे लोग हैं जिनको हमने आगाह किया, वार्निंग दी, जल्दी ये करो, भागो, उठो, दौड़ो, जितनों ने माना, परमेश्वर ने उनका बचाव किया, जिन्होंने नहीं माना, संकट ने उनको घेर लिया, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। परमेश्वर ने जो दास दासी आपको दिए हैं, अच्छे नहीं लगते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कड़वे लगते हैं? अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो हर बार ना कहते हैं? आपका मुंह देखो, आपका मुंह, आपके परिवार किसी व्यक्ति को आपका फोटो ले ले और मुझे व्हाट्सएप करे, अभी मैं बोल रहा हूं, आपका मुंह कैसा है? परमेश्वर आपको अगवा, दास और दासी मुहैया करवाता है, आपको अगवा देता है ताकि वो अगवे के द्वारा आपके जीवन में अगवाई करे। उसके विरुद्ध कुड़कुड़ आते हो, कड़वे लगते हैं, तो तैयार रहो, अभी कम कीमत चुकाई है आपने, कम चुकाई है और भी चुकाओ। गंदे लगते हैं प्रभु के दास,
लोत के दामाद लोत को के विरुद्ध ठट्ठा करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। अरे ये क्या, शायद उनकी बेटियों को कहा तेरा बाप बुड्ढा हो गया है, अब वो बुड्ढा हो गया है, पता नहीं उसको क्या क्या लगता, पूरा नगर खत्म होने वाला है, ऐसा कह रहा है। उसकी बेटियां भी हंसी होगी, लेकिन लूत को पता था कि परमेश्वर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि यह होने वाला है। कितने सारे लोगों को रात को स्वप्न आया कि ऐसी घटना होने वाली है, कितने लोगों को आने वाला जो एक्सीडेंट था वो परमेश्वर ने बता दिया था ऐसा होने वाला है। लोग चौकन्ने हो गए, उन्होंने प्रार्थना की, पश्चाताप किया, बचाव के लिए प्रार्थना की और स्टेप्स लिए, परमेश्वर ने उनका बचाव किया। एक माँ को स्वप्न आया नींद में कि उसका बेटा नीचे अंडरग्राउंड जो टैंक है, वाटर टैंक, पानी की टंकी है, उसमें उनका बेटा पड़ा हुआ है, और उसी समय उनके भाई को भी स्वप्न परमेश्वर ने कहा ये बेटा मर जाएगा पानी में डूबकर। दूसरे दिन सुबह वो बहन ने अपने भाई से कहा भाई मुझे ऐसा, भाई ने कहा रात को ही प्रभु ने बताया मुझे कि तेरा बेटा पानी में डूबकर मर जाएगा, वो टैंक ही हो सकती है, टैंक में जल्दी से टैंक खुल लिए, तो बोला हाँ टैंक खुल लिए। देखा छोटी छोटी बातें, परमेश्वर अपने लोगों को, लोगों के साथ बात करते हैं, लेकिन साफ लिखा है कि यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बात की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। और लूत के जो जमाई थे, लूत के दामाद जो थे जिनसे इनकी बेटियों की सगाई हुई थी, एंगेजमेंट हुआ था, उन्होंने ठट्ठा किया, बोले ये बुड्ढा हो गया लगता है, पता नहीं क्या शब्द इस्तेमाल किए होंगे। परमेश्वर अपने मेन जो बात आज छोटे थोड़े समय में जो सीखना चाहते हैं, परमेश्वर अवश्य अपने लोगों का बचाव चाहता है। देखो यिर्मयाह और ग्यारहवीं आयत में लिखा है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रभु साफ कहता है कि परमेश्वर हमें एक आशा, भविष्य के विषय में आशा देना चाहता है। परमेश्वर हमें हमसे बात करना चाहता है क्योंकि प्रभु जो हमसे प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस के अनुसार प्रभु हमें अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। प्रभु हमेरा बचाव चाहता है, प्रभु हमेरी पल्लाई चाहता है। परमेश्वर हमसे बात करता है लेकिन कई बार हम परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करते हैं, हम सुनते नहीं हैं। पहले भी मैंने कहा वचनों से प्रभु बात करता है, अगर आप वचन पढ़ते हो प्रभु का वचन तो उस भी प्रभु बात कर सकता है, स्वप्न के द्वारा, विजन के द्वारा, प्रभु के दास दासियों के द्वारा, और भी किसी रीति से प्रभु कोई अनुभव के द्वारा भी प्रभु अपने लोगों से बात करता है। कई बार हमने बाइबल में, पुराने नियम में, इवन स्वर्गीय दूत ने आकर लोगों से बात की। देखो मनासेस के साथ परमेश्वर ने बात की, लेकिन आगे लिखा है तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और वे ये मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। क्यों ऐसा हुआ?
परमेश्वर ने पहले जताया, परमेश्वर ने पहले वार्निंग दी, परमेश्वर ने उनसे बात की। जब मनाश्शे ने और उनकी प्रजा ने नहीं माना, तब वो संकट परमेश्वर उन पर आने दिया। परमेश्वर क्या चाहता था? संकट उन पर आए, इनकी अवस्था ऐसी ना हो, तो परमेश्वर ने उनको मौका दिया। जो आने वाला संकट है, परमेश्वर उससे अपने लोगों को बचाने के लिए, अच्छा भविष्य देने के लिए, उनको उनकी रखवाली करने के लिए, उनको मौत से बचाने के लिए, खराब अवस्था लॉस से बचाने के लिए प्रभु कई बार अपने दासों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, विजन के द्वारा, वचनों के द्वारा, अनुभव के द्वारा, स्वर्गीय दूतों के द्वारा कई रीति से परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, उनको चेताता है, चेतावनी देता है, वार्न करता है। लेकिन जब हम नहीं मानते, तब वो संकट, वो दुख, वो खराब समय हम पर आता है, क्योंकि हम नहीं मानते, नहीं सुनते। लिखा है कि यहोवा ने उन पर से अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, वो संकट आने दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का नहीं माना। मनश्शे को अगर आप पढ़ोगे, सब ने नहीं पढ़ूंगा, जैसे मैंने बताया, सबसे मोस्ट वीक राजाओं में से एक नाम उनका दर्ज हुआ है। लेकिन यहां पर लिखा है कि 12वीं आयत ने, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा के मानने लगा, और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उससे प्रार्थना की, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। संकट में पड़ा है, बेड़िया डालकर, एक राजा को बेड़िया डालकर, एक कितनी घिलौना और कितनी खराब अवस्था, एक राजा जो राज कर रहा है उसको बेड़िया पहनाकर, उसको गुलाम बनाकर अश्शूर के सेनापतियों ने उसको ले गए अपने राज्य में गुलाम बनाकर। कितनी खराब अवस्था। आप नबूकदनेस्सर राजा के विषय में आप पुराने नियम में देखिए, राजाओं ने प्रभु की बातों को नहीं माना, तब परमेश्वर ने उनको पशु जैसे, प्राणी जैसे बना दिए। घास खाया उन्होंने, हरी हरी घास, हरी पत्तियां खाई राजाओं ने, क्योंकि आपके जीवन में कोई भी लॉस आए, कोई भी खराब समय आए, कोई दुष्ट आत्माएं आपको दुष्ट मार्गों में या तो गलत मार्गों पर ले, आपको बड़ा नुकसान हो, आत्मिक हो, आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक हो, कोई भी नुकसान हो, उससे पहले परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो वार्निंग देगा, वो आपको चेताएगा, वो आपको बचाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन आप नहीं सुनोगे। यहाँ पर लिखा है, मनुष्य को नकेल डालकर, पित्तल की बेड़ियों में जकड़कर गुलाम बनाकर ले जाया गया। क्यों ऐसा हुआ? परमेश्वर नहीं चाहता था, परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य और उसके मेरी प्रजा की ऐसी अवस्था। लेकिन उन्होंने परमेश्वर का नहीं माना और वो संकट आया। प्यारो, एक बात जरूर याद रखना, संकट के समय आए, खराब समय आए, उससे पहले परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से वो बात करता है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करता है। प्यारों, अगर हम नहीं चाहेंगे, अगर हम गलत राह पर ही रहेंगे, तो परमेश्वर ने जो चाहा था नहीं होगा, और हमने जो चाहा, यानी खराब समय, हम पर जरूर आएगा। प्यारों, तीतीस और 11 जो हमने पढ़ा, मनुष्य को नकेल डालकर बेड़ियों में जकड़ कर ले जा गया, ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। परमेश्वर की योजना है कि हम सुरक्षित रहे, आशीषित रहे। लेकिन मनुष्य ने और उसकी प्रजा ने
परमेश्वर की बातों को नहीं माना, बहुत ही दुख की बात है। देखो यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा कि संकट कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उससे प्रार्थना की संकट में। अब परमेश्वर का माना नहीं है, परमेश्वर गुस्सा है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से जो प्रॉमिस किया है वो ही देखो दूसरे इतिहास में परमेश्वर वाचा का परमेश्वर, प्रॉमिस, ही इज द गॉड ऑफ प्रॉमिस। देखो दूसरे इतिहास में 7वें चैप्टर में जल्दी से हम देखेंगे, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। यहाँ पर 7:14 में क्या लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। फिर से पढ़ता हूं आपके लिए, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते, अगर आप प्रभु यीशु के बच्चे हो, आप प्रभु यीशु के दास दासी हो, यारो कहीं भी कुछ गलत हुआ है, कोई लॉस हुआ है आपको, आपके घर में बहुत सारे प्रश्न है, परिवार में सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ये वक्त है कि हम परमेश्वर की ओर अपना मुख अपने आप को परमेश्वर की ओर करें। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें, परमेश्वर कहते हैं दिन होकर मेरी अगर प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहाँ पर लिखा है नाश के विषय में, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ उससे प्रार्थना की। मनश्शे ने संकट में प्रार्थना की। आज प्यारे जहां पर भी हो पश्चाताप के साथ परमेश्वर के चरणों में आइए, अपने सिगरेट बीड़ी व्यभिचारी संबंध, अपनी खराब बोली, आपने कभी गौर किया आपकी जबान कैसी चलती है, आपने गौर किया आप दूसरों के विषय में क्या सोचते हो, आपने गौर किया प्रभु के दास दासी और प्रभु के लोग के विरुद्ध आप कितना बोल रहे हो, आपने गौर किया आप कितना गलत जा रहे हो। आज एक मौका है मैं और आप सोचे हम क्या गलत कर रहे हैं। आज हम लिखा है तब संकट में पड़कर परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उससे प्रार्थना की। परमेश्वर ने प्रॉमिस दी है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे खोजी बने बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को मैं उनको चंगाल करूंगा। यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर नम्र होकर प्रार्थना करें, नम्र होना यानी पश्चाताप करना, पापों से वापिस फिरना। यारो आज आप जो भी पाप है, जो भी गलत राह है, पहली चीज मनश्शे और उसकी प्रजा ने, परमेश्वर ने उनसे बात की लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लूत के दामादों ने ठट्ठा किया, मजाक उड़ाया उसका, हमने परमेश्वर हमसे उनके दास दारों के द्वारा बात करते हैं, वचनों से बात करते हैं, स्वप्नों से बात करते हैं, क्या हम ध्यान देते हैं उस तरफ या उसको एकदम नॉर्मल समझते हैं हम, या परमेश्वर जो बात करते हैं उसको हम नजरअंदाज कर लेते हैं या ध्यान देते हैं हम। यारो बहुत सारी बातें हैं बाइबल से, मैं अभी आपको बता सकता हूं लेकिन समय बहुत कम है, हम प्रभु भोज में जाना चाहते हैं। परमेश्वर ने प्रॉमिस दी है, यदि मेरी प्रजा अगर मेरी ओर फिरे
दीन होकर अगर मुझे ढूंढे, मुझसे प्रार्थना करे, तो मैं उनके पापों की क्षमा देखकर उनको देश को चंगा करूंगा। परमेश्वर ने प्रॉमिस थी और आज भी दी है। इसीलिए मनाश्शे ने अब संकट में पड़ा तब परमेश्वर की और संकट में पड़ा तब परमेश्वर यहोवा को की ओर वो अपने आप को घुमाया, परमेश्वर के सामने दीन हो गया, करने लगा। तब होकर उसकी गिनती सुनी, उसको यरूशलेम में पहुंच उसका राज्य लौटा दिया। मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। यारो एक बात याद रखना, आप मनुष्य ने संकट में जब आया तब परमेश्वर की ओर वो घुमा। उसको बेड़िया पहनकर नहीं जा सकते थे लोग, लेकिन परमेश्वर का नहीं माना उसने, परमेश्वर उसने और उसकी प्रजा ने नहीं सुना परमेश्वर ने जो वार्निंग दी, और इसीलिए इनकी अवस्था ऐसा हुई। फिर भी देखो परमेश्वर ने अपने छोड़ नहीं दिया, त्याग नहीं दिया। जब प्रजा उसको पुकार, प्रॉमिस को याद करता है, अपनी वाचा को याद करता है, उसने अपनी वाचा के अनुसार अपनी वाचा को याद किया और उसकी प्रजा को दिया, और वापिस जो राज्य का लूट लिया गया था, उनसे छीन लिया गया था, वो राज्य वापिस दिया। परमेश्वर ने वापिस उनकी अवस्थाएं बदल दी। यारो परमेश्वर की ओर फिरे, पश्चाताप कीजिए प्यारो, परमेश्वर प्रॉमिस जो वचन देता है वो निभाता है, वचन को फुलफिल करता है। तो पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। पश्चाताप नहीं होते, कई लोग संकट में आए, संकट से बाहर निकलने के लिए पश्चाताप, प्रभु माफ कर दे, प्रभु बचा ले, प्रभु ये। पश्चाताप बाइबल ये कहता है, दूसरे कुरिन्थियों 7 में साफ लिखा है कि कई रिपेंटेंस, कई पश्चाताप को गेन होता है, कि कई रिपेंटेंस जो होता है पश्चाताप है वो, यानी प्रत्येक पश्चाताप जेन्युइन नहीं होते। पश्चाताप तो सिर्फ संकट से बाहर निकलने के लिए, अवस्था से बाहर आने के लिए ही पश्चाताप होता है जेन्युइन। यारो आप पश्चाताप, जेन्युइन पश्चाताप कीजिए, आप पश्चाताप कीजिए सबसे पहले परमेश्वर की, और याद रखे देखो पहली गलती कहाँ होती है, परमेश्वर हमसे जब बात करता है, हमें जब चेतावनी देता है अपने दास दासियों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, विजन के द्वारा, किसी के द्वारा, हम नहीं सुनते, वो सबसे पहले पहला पाप है, सबसे पहली अपनी गलती है, क्षमा कीजिए, आप उसके लिए पश्चाताप कीजिए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए, आज से शुरुआत कीजिए कि परमेश्वर मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं ध्यान दूंगा, मैं गौर करूंगा, और उसके लिए मैं अपने डिसीजन जो भी मैं करने के लिए मैं थोड़ा मैं वेट करके परमेश्वर की सलाह लूंगा, परमेश्वर से बात करूंगा। एक लड़की ने, जवान लड़की ने फोन करके कहा, उसको फोन किया कि पास्टर मैं जो लड़के की बात आ रही है कुछ अच्छा है, उसका पेमेंट करीबन 1,00,000 से ज्यादा है, अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन पता नहीं मुझे शांति पसंद नहीं मिल रही है, और लड़के के साथ मैं बातचीत करूँ आगे बढ़ू। मैंने कहा ऐसा क्यों, कोई तो चीज होगी जिसके जो आपके सामने प्रभु लाया होगा। तो उन्होंने कहा कि गुजर लोगों के बीच रहा है, इसलिए वो परमेश्वर को, जैसे परमेश्वर का स्थान अपने जीवनों में होना चाहिए वैसा नहीं है, वो जो बातें करता है वो वर्ल्डली बातें करता है, मूर्ति पूजा की भी बातें उसकी बातों में आती है। तो मैंने कहा आप जो कह रहे हो कि रात को भी मुझे नींद नहीं आती है,
जब से बात आई है मैं चैन सुन नहीं पा रही, इसका मतलब है इस बात में जो आप आगे बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर आपसे ये नहीं चाहते कि इस बात में आप आगे बढ़ो, आप रुक जाओ, प्रार्थना करो। प्यारो कई बार जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं कई बाधाएं आते हैं, आप सुनते हो ना, सुन रहे हो, कई बार बाधाएं आती है, चाहे मैरिज के विषय में हो, घर लेने के विषय, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज, कुछ भी लेने, कोई भी दिशा में जाने जाने के समय बाधाएं आती है, शांति नहीं मिलती। तो प्रभु के दास दासी होने के नाते और बच्चे होने के नाते कभी सीखा आपने कि प्रभु की तरफ से कुछ साइन है कि आगे ही बढ़ते जा रहे हो, आगे ही बढ़ते जा रहे हो? याद रखना नहीं, हम हमेशा बोलते हैं हम तो घर की मुर्गी दाल के बराबर है, हमारी कीमत, हमारी एडवाइस की कीमत कई बार साथी दास दासिया परिवार के लोग दोस्त हमारी हमारी एडवाइस की कीमत करे ना करे, वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, साथी सेवा में या नौकरी करने वाले लोग हो, वो भूल जाते हैं कि इनके द्वारा जो बात कर रहा हूं परमेश्वर कर रहा है, मुझे रुक जाना चाहिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि मैरिज के लिए लड़का या लड़की चुनने के समय उनको जो अच्छा लगता था वो लड़की या लड़के में दिखा और उनको परमेश्वर की योजना लगी। मैं जो भी पूछने आता है मैं कहता हूं कि आपको जो जैसी लड़की या लड़का चाहिए था वैसा ही है? बोले हाँ पास्टर साहब वैसा ही है। परमेश्वर क्या कहते हैं? बोले परमेश्वर बहुत शांति देते हैं। परमेश्वर की या आपकी इच्छा के क्राइटेरिया के अनुसार वो लड़की है लड़का है इसलिए शांति मिल रही है। कई लोगों को ऐश्वर्या राय को देखकर बहुत शांति मिलती है, कई लड़कियों को सलमान खान को देखकर बहुत शांति मिलती है। कौन सी शांति आपको मिल रही है? कितने भाई बहनों को मैं जानता हूं शादी करने के बाद वो कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर को तो मैंने पूछा था, मेरी इतनी खराब अवस्था क्यों हुई? मैं कहता हूं कि प्रभु को आपने पूछा था लेकिन परमेश्वर ने जब कहा आपने सुना था। क्या सलमान को देखकर शांति और खुशियां मिलती थी आप चल पड़े? ध्यान रखेगा प्यारो, पहली चीज परमेश्वर हमसे बात करता है, चाहे वो प्रभु के दास दासी हो, बाइबल के वचनों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, विजन के द्वारा, किसी घटनाओं के द्वारा, अशांति के द्वारा, कंफ्यूजन के द्वारा, किसी भी रीति से प्रभु आपसे बात करेगा। अगर आपने सुना, अगर आपने ध्यान दिया, अपने अगर आपने गौर किया तो बचाव संभव है, लेकिन अपनी मन की ही करने पर आप आगे बढ़े। और अच्छाई तो सलमान को देखकर भी कई लोगों को लगती है, तालाब के पास घर खरीदने के लिए बहुत शांति मिलेगी क्योंकि आपको ऐसा माहौल बहुत पसंद है, आपको ऐसी लड़की बहुत पसंद है। हैंडसम लड़का देखकर प्रभु की योजना लगेगी ही, ऐश्वर्या राय को देखकर आपको शांति मिलेगी ही, गारंटी दे रहा हूं। फिर वो ही ऐश्वर्या शादी के एक साल बाद वो गोरी और सुंदर ऐश्वर्या काली लगेगी, भूत जैसी लगेगी। फिर आप फोन करें, मैं क्या करूं, डिवोर्स तो नहीं ले सकता पास्टर साहब,
मैं तो थोड़ा, मेरा नेचर ऐसा है, जॉली नेचर है, इसलिए मैं कहता हूँ अब वो भूत को पकड़ कर जिंदगी में आगे बढ़ो, बस चलते जाओ। फिर वो हैंडसम लड़का 1 साल बाद एक क्रूर और दुख देने वाला इंसान लगता है। क्यों भाई? आपको आगे बढ़े जाओ, बहुत सुंदर, परमेश्वर आपसे बात करेगा। मैंने कहा कई रीति से, कंफ्यूजन ये भी एक एक तरीका है परमेश्वर का। परमेश्वर का अगर कहा आप मानोगे, उस पर गौर करोगे, उसने कहा और आपने गौर किया, सुना आपने, आपने परमेश्वर की आत्मा की सहाय मांगी, परमेश्वर के दास दासों के पास आप गए, उनकी सलाह ली आपने, पूरे पूरा 100% चांसेस से बच जाना, खराब आने वाले समय से आप बच सकते हो। जब मनासा और किस प्रजा संकट में आए, वो परमेश्वर की ओर अपने मुख को घुमाया, परमेश्वर को ढूंढा, वो दीन हुए, पश्चाताप किया और माफी मांगी, परमेश्वर ने उन्हें माफी दी अपने प्रॉमिस के अनुसार। जब मेरी प्रजा और मेरा मेरे लोग दीन होकर मेरे मुख को ढूंढेंगे, मेरी ओर फिरेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो मैं उनको माफ करके उनके राज्य को लौटाऊंगा। यारो, बाइबल में परमेश्वर ने साफ लिखा है कि परमेश्वर हमें शांति देगा, अपने राज्य में शांति देगा, अगर हम उसकी आज्ञाओं को अगर माने, अगर हम उसके मार्गों पर चले। तो देखो साफ लिखा गया है, आप पूरे नियम में आप देखोगे तो देखो, अब हे इसराइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे, अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। परमेश्वर आपका और मेरा भला चाहता है। आप पुराने नियम देखो तो लिखा है, अगर तू उसका कहा मानेगा, आज्ञाएं मानेगा, तो ये सारी आशीषें तुझ पर आएगी। प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, प्रभु हमें सफल करना चाहता है, प्रभु हमारे डिसीजन में भी हमें सफलता देना चाहता है, हमारे चुनाव में भी प्रभु हमारी सहायता करना चाहते हैं, ताकि जो भी हम चुनाव करें उसमें हमें सचमुच आनंद मिले, शांति मिले। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञा पालन करें, हम उसके साथ जुड़े रहे, उसका कहा सुने, जब भी वो मेरी सहायता करे हम उसकी ओर फिरे और उसकी उसकी ओर उसके उस उसके शब्दों की ओर, उसके जो कहता है उसकी ओर अपने कानों को लगाए। प्यारो, परमेश्वर अपनी भलाई चाहता है। आए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना की तरफ जाए, आंखें बंद करें। प्यारो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, कृपया आप प्रार्थना में आगे बढ़े। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप पश्चाताप करें अगर आपने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना है। आपको पवित्र आत्मा आपकी सहायता मेरी और आपकी करे, जहां पर भी हमने परमेश्वर की राय नहीं ली है, हमने परमेश्वर के दास दासों की अगुवाई नहीं चाहा है, हमने अगर परमेश्वर की अगुवाई को नजरअंदाज किया, हम पश्चाताप करें। प्यारो, हम माफी मांगे। आप कह सकते हो, प्रभु जहां पर भी मैंने, मेरे परिवार के लोगों ने आपकी बातों को नहीं सुनना है, आपकी आपकी
आपके गाइडेंस की ओर हमने गौर नहीं किया था, हमें क्षमा करो, माफी मांगिए। आप कहिए प्रभु मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने आपकी जो वार्निंग थी, आपने जो सलाह दी थी, आपने जो हमें चिताया था, हमने आपकी चेतावनी को नजरअंदाज किया। आप माफी मांगिए। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं, मेरे परिवार के लोग, आपके हर एक दास दासी और आपके प्रिय लोग, हम सब आपके चरणों में आते हैं। पश्चाताप करते हैं इसलिए पिता परमेश्वर, जैसे आपने हमें आज सिखाया कि आप हमेशा अपनी प्रजा की सहायता करते हो, आप अपने लोगों पर प्रेम रखते हो, इसलिए आप आने वाले संकट के विषय में, आने वाली समस्याओं के विषय में और आने वाले भयानक अवस्थाओं के विषय में आप अपने लोगों को चेताते हो, वार्निंग देते हो, आगाह करते हो। जैसे मनासे और उसकी प्रजा आपका ही सुना, माना नहीं, लूत के वो जमायों ने लूत का नहीं माना, परमेश्वर पिता हमने भी कई बार आपने हमें चेताया लेकिन हमने आपका नहीं कहा सुना है। मैं मेरे लिए, मेरी पत्नी और मेरे परिवार के लोगों के लिए, मेरे साथी दास दासियों के लिए और तेरे इन प्रिय लोगों जिन पर तू प्रेम रखता है, हम सब के लिए, तेरे दास दासी, तेरे लोगों के लिए मैं पश्चाताप करता हूं कि परमेश्वर यहोवा हमने कई बार तूने हमें चिताया तेरे दास दासियों के द्वारा, वचनों के द्वारा, संदर्शन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा पिता, कंफ्यूजन के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, कई लोगों के द्वारा हमें चिताया, हमसे बात की लेकिन हमने गौर नहीं किया और आपकी बातों को हमने बाजू पर रख दिया। पवित्र आत्मा ने हमसे बात की, हमने गौर नहीं किया। यीशु मसीह के नाम में जब जब ये हुआ है वो सारे समयों के लिए हम पश्चाताप करते हैं। यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, आप दयालु हो, भले हो, आप मेरे, जैकलिन और हम सब प्रभु तेरे दास दासी, तेरे लोगों के लिए मैं पश्चाताप करता हूं। यीशु मसीह के नाम से हमें माफ करो, क्षमा करो पिता, आज प्रभु हमें माफ करो, क्योंकि आप, हमने आपका कहा नहीं माना, हमने आपका कहा नहीं सुना, जो आपने हमें बताया वैसा हमने नहीं किया है, हमें क्षमा करो। यीशु के नाम में हम माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं प्रभु, जो आपने नहीं चाहा, जो आपने चाहा वो नहीं किया और जो नहीं चाहा वो किया है पिता। हमारे पापों के लिए हम पश्चाताप करते हैं, हमारी खराब और गंदी जबान के लिए हम पश्चाताप करते हैं पिता। आपने तो कहा आप एक एक ज्योति के समान, आपको जीवन जीना है प्रभु यीशु, आपने हमें सिखाया है पिता, हमें क्षमा करो, हमारे द्वारा, हमारे परिवारजनों को प्रभु, हमारे द्वारा खुशियां मिलनी चाहिए, हमारी उपस्थिति के द्वारा परिवार में शांति और आनंद छा जाना चाहिए, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं, हमारी उपस्थिति के कारण हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड वाइफ, हमारे परिवार के लोग प्रभु दुखी हो जाते हैं हमारी उपस्थिति से, क्योंकि हमारा नेचर ऐसा हो चुका है, हमारी जबान कड़वाहट से भरी हुई है, हम अपने पति से दुर्व्यवहार करते हैं, हम अपने बच्चों से दुर्व्यवहार करते हैं, अपनी पत्नी से, पति से, बच्चों से, माँ बाप से, सास ससुर से, हम दूसरे लोगों से प्रभु, दूसरे विश्वासी लोगों से दुर्व्यवहार किया है हमने, प्रभु यीशु के नाम में हम माफी मांगते हैं, मुझे और हम सबको क्षमा करो पिता। हमने आपकी बहुत सारी आज्ञाएं तोड़ी है, हम पश्चाताप करते हैं अगर हम में से किसी लोगों ने मूर्ति पूजा से और मूर्ति पूजा के जो भी विधियां है
उससे अगर समझौता किया है, पिता जैसे बाइबल हमें सिखाती है कि उन्होंने पाप के मार्गों में चलना छोटा सा जाना, हाँ हमने पाप करना छोटा सा जाना है तो हम पश्चाताप करते हैं, अपने नौकरियों में अपने बिजनेस में हमने अगर आपका भय नहीं रखा है मैं पश्चाताप करता हूँ। आपके दास के विषय में लिखा है कि वो अपने सारे कामों में विश्वास योग्य बना रहा, लेकिन मैं और हम प्रभु कई कामों में विश्वास योग्य नहीं बने हैं, यीशु मसीह के नाम में माफ करो। मेरी बोली से, व्यवहार से, विचारों से, दृष्टि से, हमारे जीवन में बहुत सारे अपराध हमने किए, प्रभु यीशु के नाम में क्षमा करो पिता। हम माफी मांगते हुए मेरे और हम सबका जीवन हम प्रभु यीशु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, एक ज्योति के समान हमारा जीवन बनाइए। प्रभु यीशु आपका जैसा मन हृदय है वैसा मन हृदय, मन और हृदय मुझे और हमें वो दो पिता। यीशु आपके जैसे हमको बनाओ, हमारे नेचर में, हमारे सोच में, हमारे जीवन में आप बदलाव लाओ, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता। अगर पिता हम प्रार्थना करते हैं, अगर कोई भी बीमार है प्रभु हम में से, यीशु मसीह का लहू उनके शरीर से बहने लगा भी इसी वक्त, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके सिरों पर मैं हाथ रखता हूँ, यीशु के लहू की सामर्थ्य बहने के लिए मैं इसी वक्त परमेश्वर से अनुग्रह मांगता हूँ यीशु के नाम में। और इसी वक्त उनके शरीर में, हमारे शरीर में जो भी कमजोरियां है, बीमारियां है, यीशु नाजरी के नाम से डांट कर कहता हूँ प्रभु के अभिषेक दास होने के नाते, दूर हो जाओ इनके शरीर से और घर से, सारी 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 की सारी श्रापित बीमारियों को, मौत लाने वाली सारी ऐसे स्पिरिट ऑफ डेथ को और सारी बीमारियों को, श्रापों को, शैतान और शैतानी आत्माओं को, सारे जंतर मंतर और जो भी इनके विरुद्ध किया गया है, सारी विधियों को, दुष्ट आत्माओं को, सारे श्रापों को, सारे बंधनों को, शैतान तेरे साथ तेरे कामों को, इनके जीवनों से, परिवार से, नौकरी और बिजनेस से, हमारे बीच से शैतान तुझे तेरे कामों को, मत्ती 18:18, लूका 10:19, पहला कुरिन्थी 15:17-27 और नहुम 1:8 के अनुसार यीशु के लहू में बांधता हूँ और मेरे पांव के तले को चलकर अभी भी फल घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और इसी वक्त यीशु मसीह का लहू हम सब पर, हमारे परिवार पर, हमारी प्राण आत्मा शरीर पर, हमारे घरों पर, हमारे नौकरी बिजनेस पर यीशु का लहू छिड़क देता हूँ। प्रभु यीशु की शांति प्रभु तेरे लोगों पर आए, प्रभु यीशु तेरी चंगाई हम पर आए, प्रभु यीशु तेरी सफलताएं हम पर आए, मेरे हाथों के कामों को मैं सफल घोषित करता हूँ पिता। इनके बिजनेस और नौकरियों को मैं आशीष देता हूँ पिता, उनके अच्छी नौकरी की जरूरत है, आमदनी की जरूरत है, मैं नए बिजनेस, नए ऑर्डर की मैं अभी इसी वक्त कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पिता, तेरे हाथ को बढ़ाकर स्वर्ग से तू हमारे शरीरों को, प्राण आत्मा शरीरों को, हमारे बिजनेस नौकरियों को, हमारे परिवार को, विवाहित जीवन को चंगा कर, आशीषित कर पिता, मेरी प्रार्थना है। यीशु मसीह का लहू, परमेश्वर के मेमने का लहू हमारे घरों के ऊपर, हमारे हमारे सब के ऊपर, साम 91 का प्रोटेक्शन हम पर और हमारे सारे आशीषों पर यीशु का लहू, मेमने का लहू घोषित करता हूँ पिता। मुझे और हम सबको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ पिता। तेरी बातों को सुनने वाले लोग मुझे और हमें बनाए और तेरी आज्ञाओं को मानने वाले लोग बनाए पिता। पापी मार्गों से वापिस लौटने के लिए, पापों से वापिस मुड़ने के लिए आप ऐसा हृदय और पश्चाताप पवित्र आत्मा हमें दे, हमारे पापों के विषय में, हमारे और हमारे अविश्वास के विषय में हम आपकी सहायता चाहते हैं पिता। हमारे जीवनों को तू नया रूप दे हम प्रार्थना करते हैं पिता। हम जब प्रभु भोज में जाना चाहते हैं, जो भी प्रभु रोटियां हमने तैयार की है, यीशु के नाम में हम आशीष देते हैं पिता। प्रभु भोज के इस पवित्र समय में ले चल हमें और प्रभु आशीष दे, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करे। प्रभु यीशु ने सिखाई प्रार्थना साथ मिलकर करे, आकाश में हमारा बाप।
તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર, તમારી ઈચ્છા દિવસને અમારી રોટલી આજે આપો, જેમ અમે અમારા ઋણ માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણ માફ કરો, અમને પરીક્ષામાં ન લાવો પણ ગુંડાય તેવા છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય પરાક્રમ તથા મહિમા સૌકાશ તમારા છે. Amen.